हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद। आज हम लोग फ्रेंड्स क्लास टेंथ के साइंस में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी 2023 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। और फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसमें आपका? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो इसमें हो जाएगा आपका समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है? 1 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रंग है जो जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन ऐसा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? लाल रंग का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा आपका लाल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर आपका सी बी हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो क्या होगा इसमें आपका? R बराबर V बटा I, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं में धारा वाहक होता है, क्या होता है? धातुओं में धारा वाहक होता है, तो क्या होगा इसमें आपका? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें आपका? यानी धातुओं में धारा वाहक होता है तो इसमें आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा आपका आमीटर से, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? यानी विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा उष्मीय, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिस्ट धारा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवकारक है? क्या होगा? निम्न में से कौन अवकारक है? क्या हो जाएगा इसमें आपका? H2, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक बिलियन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक बिलियन का मान देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 13। क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा निम्नलिखित में से pH का कौन सा क्षारक बिलियन का मान देता है? तो आपका 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन
सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका Na2CO3 इंटू 10H2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा आपका लाइकेन सी, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, क्या होगा इसमें आपका? विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का जो pH मान होता है लगभग कितना होता है? सोडियम क्लोराइड का pH मान लगभग कितना होता है? तो 14 होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें हो जाएगा आपका CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी जब सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर ए है Na2ZnO+H2, ऑप्शन नंबर बी है NaZnO2+H2, ऑप्शन नंबर सी है NaOZn+H2, ऑप्शन नंबर डी है Na2ZnO2+H2O, क्या होगा इसमें आपका? यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, इसमें हो जाएगा आपका Na2ZnO2+H2, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीतल है, पीतल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका धातु, ऑप्शन नंबर बी है अधातु, ऑप्शन नंबर सी है मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी है उपधातु, क्या होगा इसमें आपका? पीतल है, इसमें हो जाएगा आपका यानी पीतल हो जाएगा आपका मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, क्रोमीन जो है अधातु की अवस्था होती है, क्या होगा इसमें आपका? द्रव होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी लिक्विड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध है? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के तीन आबंध है, क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा C3H4, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये सबको पता होगा फ्रेंड्स, C12H2O11 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्या होगा इसमें आपका? इसमें हो जाएगा आपका 2, है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।